समस्त मातृ शक्तियों, भाई बंधुओं, जय माता दी। नवरात्रि के नवे दिवस माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने से और इनकी पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रवण करने से कार्य क्षेत्र में सिद्धि मिलती है, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से पूजा आराधना आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्र पूजन के आखिरी दिन को नवमी तिथि कहते हैं। इस दिन माता दुर्गा के अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा उपासना होती है। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने वालों को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, अर्थात सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य भी उसमें आ सकता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा आराधना करते हैं। इतना ही नहीं, माता सिद्धिदात्री शोक रोग भय से मुक्ति देने वाली देवी है। तो अब हम जानते हैं माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है, इनकी व्रत कथा किस प्रकार से है और इनकी पूजा से क्या लाभ मिलते हैं। तो माता सिद्धिदात्री का स्वरूप है, भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कृपा से है 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव जी को अर्ध नारीश्वर का नाम मिला है, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना हुआ है। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता ऐसी है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि, नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो जाती है। तो माता सिद्धिदात्री का स्वरूप इस प्रकार से है, कमल पर विराजित 4 भुजाओं वाली माता सिद्धिदात्री लाल वस्त्र में विराजित रहती है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा, कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट, चेहरे पर मंद मुस्कान, माँ सिद्धिदात्री की पहचान होती है। तो नवरात्रि के नवे दिन कैसे की जाए इनकी पूजा और कैसे नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में आहार दिनचर्या का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि बिना इसके नवरात्रि का शुभ फल नहीं मिलता है। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक फलाहार व्रत करें। कुछ भक्त निर्जल उपवास भी करते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन व्रत रखना आसान बात नहीं होती है, इसलिए यह बहुत ही कठिन माना जाता है। इन 9 दिनों में माता आदिशक्ति भवानी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल पूजा अर्चना करना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि अपने व्यवहार दिनचर्या का खास ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं नवरात्र व्रत के दौरान कैसी दिनचर्या रखना चाहिए जिससे कि माता का आशीर्वाद मिलता है। तो पहला नियम इस प्रकार से है, बाकी के दिन भले ही आप कुछ देर सो लें, लेकिन अगर नवरात्र का व्रत आप करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। पूरे 9 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की साफ सफाई करें, स्वयं स्नान आदि करें, उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें, पूरे घर में गौमूत्र गंगा जल का छिड़काव करें और फिर अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर में जाकर के विधि विधान से मैया रानी की पूजा आराधना करें। व्रत उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद फलाहार लेवें, यानी सुबह माता जी की पूजा करने के बाद दूध और कोई फल ले सकते हैं। नमक का प्रयोग नहीं करें, खाने में सेंधे नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद दिन भर मन ही मन माता जी का ध्यान करते रहें। तो नवरात्रि के दौरान अपने मन को पूर्णतया माता दुर्गा के ध्यान में आपको लगाना चाहिए। इस समय कोई भी नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना चाहिए, न ही किसी के प्रति अपने मन में दुर्भावना रखें। शांत रहने की कोशिश करें, झूठ आप नहीं बोलें, क्रोध करने से बचें, अपनी इंद्रियों पर काबू रखें और मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को नहीं आने दें। व्रत रखने वाले लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए। शाम को फिर से माता जी की पूजा आराधना करें, आरती करें, इसके बाद एक बार और फलाहार आप खाना चाहे तो आप फलाहार ले सकते हैं। अगर न कर सके तो शाम की पूजा के बाद एक बार आप भोजन भी कर सकते हैं।
तो माता जी की पूजा के बाद रोज एक कन्या की पूजा आपको करना चाहिए। भोजन करवा करके उसे दक्षिणा देवें। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, यानी 9 दिनों में लहसुन प्याज मांसाहार ठंडा झूठा भोजन करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इन दिनों में छोर कर्म नहीं करें, यानी शेविंग आदि नहीं बनवाएं, बाल नहीं कटवाएं और ना ही नाखून कटवाएं। इसके साथ ही तेल मालिश आप नहीं करें। नवरात्रि के दौरान दिन में सोना मनाही होती है, तो नवरात्रि के व्रत उपवास में बीमार बच्चों और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे नियम का पालन नहीं हो पाता है। घर के मंदिर में कभी भी अंधेरा आपको नहीं रखना चाहिए, किसी न किसी तरह से उसमें रोशनी आपको रखना चाहिए। कभी भी घर को अकेला एकांत नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ अखंड ज्योत आप जला रहे हैं उस स्थान को एकांत नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को 9 दिनों तक विधि विधान से माता की पूजा आराधना करना चाहिए और व्रत कथा को पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। तो नवमी देवी सिद्धिदात्री की पूजा विधि इस प्रकार से है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सिद्धियां प्राप्त करने के उद्देश्य से जो साधक भगवती सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं उन्हें नवमी के दिन निर्वाण चक्र का भेदन करना होता है। तो दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। वहीं हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं और माता की पूजा कर लेना चाहिए। हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देना चाहिए, बाद में माता के नाम से आहुति देना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप है, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दे सकते हैं। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमो नमः, इस मंत्र से कम से कम 108 बार आहुति देना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो इसकी 108 बार आहुति देने से माता की विशेष कृपा मिलती है। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करना चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में वितरित करना चाहिए। तो कन्या पूजा का विशेष महत्व होता है। माता सिद्धिदात्री की आरती के पश्चात महानवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को माता दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। कन्या पूजन के लिए आप कन्याओं को अपने यहाँ निमंत्रित करें और उनके आगमन पर उनका चरण धोकर के स्वागत करें। उनको श्रद्धापूर्वक आसन पर बैठाएं। अब उनका अक्षत पुष्प आदि द्वारा पूजन करें, आरती करें। उसके पश्चात उनको घर पर बने पकवान से भोजन करवाएं। भोजन हो जाने के बाद उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेवें तथा दान दक्षिणा देकर के खुशी खुशी उनको विदा करें। तो इस दिन माता को भोग किस प्रकार से आपको अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा को मीठा हलवा पूरण पोली खीर मालपुआ केला नारियल मिष्ठान्न का भोग बहुत प्रिय होता है। नवरात्रि में उनको प्रतिदिन इनका भोग लगाना चाहिए। माता रानी को सभी प्रकार का हलवा पसंद होता है। तो माता सिद्धिदात्री का विशेष मंत्र इस प्रकार से है। इस मंत्र का जाप करने से कार्य क्षेत्र में विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। ओम या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 की संख्या में नवमी के दिन बैठ करके जाप करें। उसके पश्चात इसी के द्वारा 108 की संख्या की माला से आपको हवन करना चाहिए। तो इससे कार्य क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व होता है। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की होने वाली पूजा से व्यक्ति को समस्त प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करके आप अपने समस्त शोक रोग भय से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में ऐसा बताया है कि देवों के देव महादेव जब तारक मंत्र देते हैं तो माँ सिद्धिदात्री मंत्र धारण करने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देती है। तो माता सिद्धिदात्री की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन श्रद्धापूर्वक यह व्रत कथा श्रवण करने से माता सिद्धिदात्री का विशेष आशीर्वाद मिलता है, कार्य में सफलता मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो देवी भागवत पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। यह कमल पर आसीन है, केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध गंधर्व यक्ष देवता असुर सभी इनकी पूजा आराधना करते हैं, तपस्या आदि करते हैं। तो संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे।
इस देवी का पूजन ध्यान स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराता है और अमृत पद प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो माता सिद्धिदात्री की यह पुण्यदायिनी कथा जो भी एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसे माता सिद्धिदात्री की विशेष कृपा मिलती है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है, सभी प्रकार का दुख संकट दूर हो जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय माता दी। मित्रों, फिर मिलेंगे।